17 जून को शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का समय था, और अब ये चुनाव प्रचार का समय ख़त्म हो गया है। अब कोई आम सभा जनसभा करके चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। अब वो केवल घर घर जाकर ही चुनाव के लिए अपने लिए वोट मांग सकते हैं। हमने 19 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए हमने 4712 ईवीएम्स लगाई हैं, इसके अलावा रिजर्व में हैं। सभी ईवीएम्स के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, सभी जो संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको भी नोट करवा दिए हैं, ताकि किसी के मन में यह संशय या शंका ना रहे कि हमारी कोई ईवीएम बदल दी गई है। यही ईवीएम्स प्रयोग में लाए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए भी और वहाँ पे वोटिंग के लिए भी, और उन्हीं को फिर उन्हीं से काउंटिंग होगी, ताकि कैंडिडेट्स आश्वस्त रहें कि चुनाव निष्पक्ष रूप से और बिना किसी पक्षपात के हो रहे हैं। हमारे पास एक अच्छी खबर ये भी है कि 48 वार्डों में चुनाव निर्विरोध हुए हैं, या कि वहाँ पे चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 वार्ड ऐसे हैं कौंसिल्स में, और 33 वार्ड 28 कमेटीज़ में ऐसे हैं जहाँ पे निर्विरोध चुनाव हुआ है। अब प्रेसिडेंट के लिए सभी 18 कौंसिल्स में 441 सॉरी सभी 18 कौंसिल्स में चुनाव होने हैं, और 441 मेंबर्स के लिए, और इसी तरह से 28 कमेटियों में 399 मेंबर्स के लिए चुनाव होने हैं। टोटल 46 पोस्टें जो है प्रेसिडेंट्स की रहेंगी और 840 मेंबर्स के लिए। इसके लिए हमारे पास जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं 3098 हैं टोटल सभी के लिए मिला के, और लगभग 18,30,208 वोटर जो हैं इसमें अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जो हमने पोलिंग पार्टीज़ में लोग लगाए हैं वो लगभग 10,000 के करीब होंगे, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया सुपरवाइजर्स, पोलिंग पर्सनल जो एक्चुअल बूथ में होंगे और जो बैक एंड पे हेल्प कर रहे होंगे, और 12,500 के करीब हमने इसमें पुलिस बल की तैनाती की है। इसमें कितने अति संवेदनशील संवेदनशील जो है बूथ आप लोगों ने बनाए हैं, और उसके लिए क्या आप एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की जाएगी? जी, 1961 हमारे पास टोटल बूथ हैं इन सभी में मिलाकर 40 कमेटी और नगर परिषदों में। इनमें से 327 हाइपर सेंसिटिव हैं, तो उनमें एक एक पुलिस बल की एक्स्ट्रा व्यवस्था रहेगी। साथ में वहाँ पर आधे आधे घंटे बाद जो मोबाइल पार्टी है वो विजिट करती रहेगी, और अगर कोई आवश्यकता पड़ने पे वो तुरंत 5-10 मिनट के उसमें वहाँ पे मोबाइल के जरिए या वायरलेस सेट के जरिए पहुँच सकती है, अगर कोई गड़बड़ी की आशंका होगी तो। अग्निपथ को लेकर जो है जिस तरीके हिंसक हो रही है, कहीं चुनाव के ऊपर से चुनाव भी है, तो उसको लेकर किस तरीके की है? कल पलवल में कुछ इस तरह की हिंसा हुई थी, उपायुक्त पलवल से मेरी बात हुई थी, और उसके बाद मैंने समीक्षा करने के लिए डीजीपी से दूरभाष पर बात की थी। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इस तरह के प्रोटेस्ट को हम चुनाव में बाधा नहीं आने देंगे, और ये व्यवस्था की जाएगी कि चुनाव निर्बाध तरीके से बिना किसी शांति व्यवस्था बिगड़े करवाए जाएंगे। वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो यूथ इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव को लेके उनका कोई प्रोटेस्ट नहीं है, चुनाव की तो बल्कि लोग 2 सालों से 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो तो चुनाव को लेके बहुत आश्वस्त हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शांतिपूर्वक सब हो पाएगा। पंचायत चुनाव भी होने हैं सर, और ख़त्म होने के बाद होने हैं, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, पंचायत चुनाव भी चूंकि पहले फरवरी से ड्यू हैं, और जिनका कारणों से नहीं हो पाया था आपको ज्ञात है, कोविड की स्थिति को लेके और कुछ और किसान आंदोलन आदि की वजह से, अब हमने इलेक्टोरल रोल रिवीजन का काम सभी जिलों को दिया हुआ है, जो 22 जुलाई तक पूरा होना है। एक आध जगह से थोड़े एक्स्ट्रा टाइम की मांग आ रही है जी। तो मैं समझता हूँ कि जुलाई अंत तक ये इलेक्टोरल वोट रिवीजन का काम हो जाएगा, उसके बाद फिर महीना भर आमतौर पे चुनाव शेड्यूल का टाइम लगता है। अगर एक फेज में होता है, दो फेज में होते तो एक हफ्ता और लगा लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।